वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर AEW का एक बड़ा टाइटल मैच शुरू होने वाला है और ये टाइटल मैच AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए होगा। गाइस, AEW के अंदर ऑरेंज कैसिडी के लॉन्गेस्ट रेन इंटरनेशनल चैंपियन बनने के बाद फाइनली आज यहां पर ऑरेंज कैसिडी पॉसिबली AEW के अंदर उनका वन ऑफ द बिगेस्ट टाइटल डिफेंस करने वाले गए, क्योंकि आज यहां पर AEW के रिवॉल्यूशन पेपर व्यू के ऊपर ऑरेंज कैसिडी उनका टाइटल किसी बेबी फेस के खिलाफ डिफेंड ना करके बल्कि AEW के वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट फैक्शन अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के मेंबर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और पिछले काफी हफ्तों से AEW के अंदर अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम के लगातार ऑरेंज कैसिडी पर अटैक करने के बाद आज यहां पर फाइनली AEW के रिवॉल्यूशन के ऊपर कैसिडी और रॉडरिक स्ट्रॉन्ग आमने सामने होने वाले गए। वेल, अगर बात करें मैच के विनर की तो गाइस एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि इस मैच के अंदर आज यहां पर मल्टीपल इंटरफेरेंस होगी, और क्योंकि मैच के अंदर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग अनडिस्ट्रीब्यूटेड किंगडम को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे गए, तो डेफिनेटली मैच के अंदर हमें यहां पर वार्डलॉ और माइक बेनेट और मैट टेवन की इंटरफेरेंस देखने को मिलने वाली गए। और डेफिनेटली यहां पर मैच के अंदर अगर यहां पर मैट टेवन और माइक बेनेट के इंटरफेरेंस होती गए तो ट्रेंट बरेटा और रॉकी रोमेरो इस मैच के अंदर आज यहां पर कैसिडी को सेव करने के लिए आने वाले गए। वेल गाइस, यहां पर मुझे करंटली ऐसा लगता है कि पॉसिबली आज AEW का रिवॉल्यूशन पेपर व्यू होने वाला है जब फाइनली AEW के अंदर आज यहां पर रॉडरिक स्ट्रॉन्ग कैसिडी को हराकर AEW के ब्रांड न्यू इंटरनेशनल चैंपियन बनेंगे। और मेरे हिसाब से आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर अब से कुछ मिनटों के अंदर AEW का इंटरनेशनल टाइटल चेंज होने वाला है।